नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे ठीक होंगे तो दोस्तों आज हम बात करते हैं पीटीईटी की फिफ्थ लिस्ट के बारे में क्या पीटीईटी की फिफ्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी और आएगी तो कब तक आएगी और या फिर नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं तो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को देखते रहिए अंत तक बिना स्किप किए दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल्स परीक्षा लोक में नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप हमसे जुड़ेंगे हमको सपोर्ट करते रहेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट पी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आया हूँ तो देखिए इसमें क्या नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है तो देखिए दोस्तों ये ओपन हो गई हमारी अब ये टू ईयर वाली जो लिंक है उसको ओपन करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है पहले आपके यहाँ से ये सारे ऑप्शन हटा लिए गए थे इनमें से बस दो तीन ही ऑप्शन बचे हुए थे तो दोस्तों तब हमें लग रहा था कि शायद फिफ्थ लिस्ट नहीं आएगी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी आपके जो सारे ऑप्शन हैं वो वापस दे दिए गए हैं कॉलेज लिस्ट चेक एडमिशन कॉलेज लॉगिन तो ये सारे ऑप्शन आपको वापस दे दिए गए हैं अब दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी तो दोस्तों जहाँ तक कि ये कहना मुश्किल है कि हंड्रेड परसेंट जो आपकी पीटीटी की फिफ्थ लिस्ट है वो आएगी तो दोस्तों नाइन्टी फाइव परसेंट चांस ऐसे लग रहे हैं कि आपकी फिफ्थ लिस्ट नहीं आएगी दोस्तों पाँच परसेंट चांस ऐसे हैं कि अगर जो पीटीटी की महाविद्यालय है, कॉलेजें हैं उनमें अगर आपकी सीटें बची हुई है अगर आपकी दस सीटें भी बची हुई है तो फिफ्थ लिस्ट जरूर आएगी तो दोस्तों इंतज़ार करिए फिफ्थ लिस्ट का कब तक आएगी वैसे तो आने के चांस नहीं है लेकिन अगर कॉलेज में सीटें खाली बची हुई है तो फिफ्थ लिस्ट ज़रूर आएगी अब हम बात करते हैं फीस रिफ़ंड के बारे में फ़ीस रिफंड रिफ़ंड का फॉर्म कब तक भरा जाएगा तो दोस्तों जब ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी फिफ्थ लिस्ट नहीं आने वाली तो उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके जो फीस रिफ़ंड के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं तो दोस्तों जब तक फिफ्थ लिस्ट नहीं आ जाती या उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल जाती तब तक आपके फीस रिफ़ंड के फॉर्म भी स्टार्ट नहीं होने वाले तो दोस्तों जैसा कि हमने इसमें देखा था जो पी की फिफ्थ लिस्ट से संबंधित सारे ऑप्शन हैं वो वापस डाल दिए गए हैं अब देखना ये होगा कि फिफ्थ लिस्ट आती है या नहीं दोस्तों आती है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी जिस भी बच्चों स्टूडेंटों के एक दो नंबर से कोई कॉलेज रह रहा था उनको मिलने की संभावना है अब बात करते हैं किन किन स्टूडेंटों को कॉलेज मिलने की संभावना है तो दोस्तों जिनके भी 250 प्लस नंबर है चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो उसको कॉलेज मिलने के 95 परसेंट चांस है तो दोस्तों अगर ज़्यादा सीटें बची हुई है तो आपको 250 पर आसानी से कॉलेज मिल जाएगा और अगर कम सीटें मिली है तो 250 से प्लस जो ऊपर होंगे उनको कॉलेज मिलने की संभावना है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें और दोस्तों पढ़ाई से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे हमारी यूट्यूब चैनल परीक्षा लोक से आपको हर प्रकार की पढ़ाई से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी जाएगी तो दोस्तों सपोर्ट बनाए रखना उम्मीद करता हूँ कि सपोर्ट करोगे दोस्तों मैं आपके सपोर्ट से आज इस मुकाम तक पहुँचाऊँ मैं हज़ार सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में बस कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरे हज़ार सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दोगे तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत